हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट होम शेफ। और आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी वाला ब्लैक फॉरेस्ट केक, जो कि बहुत बढ़िया बना है, एगलेस है और साथ ही ये गेहूं या मैदे से नहीं बना हुआ है, ये चावल के आटे का बना हुआ है, तो ये बहुत हेल्दी भी है और जिन लोगों को ग्लूटेन सी प्रॉब्लम है वो लोग भी इसे आराम से बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से रेसिपी शुरू कर लेते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चावल का आटा लिया है, बहुत ही बारीक चावल का आटा होना चाहिए, एक कप। आधा टीएसपी मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा और 1 टीएसपी बेकिंग पाउडर लिया है। चीनी यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून ली है। चॉकलेट पाउडर यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून लिया है। कोको पाउडर और सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। तो चलिए अब हम वेट इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने 60 ml मेल्टेड बटर लिया है, सॉल्टेड बटर है। कंडेंस मिल्क मैंने यहाँ 200 ml लिया है, यानी कि हाफ मिल्क मेड का टिन। वेनिला एसेंस 1 चम्मच और 60 ml यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। कोई भी ऐसा ऑयल ले जिसमें कि स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो। सबको अच्छे से मिक्स कर लिया और इसके अंदर में ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और धीरे धीरे मिक्स करते जाएंगे। इस तरह से सारा जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो इसके अंदर हम थोड़ा 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 करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें लम्प्स ना पड़े। ये बहुत ड्राई सा हो गया है तो बिल्कुल भी आप चिंता ना करें, क्योंकि हम इसके अंदर में ड्रिंकिंग सोडा डालने वाले हैं। कोई भी आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं 1 कप डालूंगी, 2 बार थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही हूँ। आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक डाल सकते हो। यहाँ पे मैं प्लेन सोडा डाल रही हूँ, ड्रिंकिंग सोडा। तो ये 1 कप पूरा मैंने डाल दिया है। अच्छे से मिक्स करके स्मूथ सा इसका बैटर बना लेंगे। अब इसे हम बेकिंग पैन में ट्रांसफर कर देते हैं। तब तक हमने जो हमारा माइक्रोवेव ओवन है उसको प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। अब प्रीहीटेड माइक्रो ओवन में हमें करीब 30 से 35 मिनट के लिए इसे बेक करना है, कन्वेक्शन मोड में 180 डिग्री पे। तो ये हमारा टोटल बेकिंग टाइम जो है वो 40 मिनट्स लगा है यहाँ पे और केक बहुत अच्छा स्पॉन्जी बन के आ गया है। इसे हम ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद इसके साइड्स जो है वो हल्के हल्के से मैं कट कर लूंगी, ताकि वो लास्ट में हमें गार्निशिंग में इसके काम आएगा। और इस तरह से 2 स्लाइस में मैंने इसे निकाल लिया है। अब जो नीचे वाली स्लाइस है उसे हम शुगर सिरप जो है उसके ऊपर में स्प्रिंकल करेंगे। हल्का हल्का शुगर सिरप डालने से हमारा केक जो है बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट रहता है। अब व्हिपिंग क्रीम से की पहली लेयर जो है वो हम लगा देंगे। तो ये व्हिपिंग क्रीम से हमें कवर कर लिया है। दूसरी लेयर मैंने उल्टी रखी है, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री केक है तो इसमें थोड़ा सा एब्जॉर्ब ये कम करेगी, इसलिए उल्टा रख करके इसे मैंने फिर से शुगर सिरप इसके ऊपर डाल दिया है। फिर से हम इसे कवर कर देंगे व्हिप क्रीम से। फ्रेंड्स आप इसे घर पे जरूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही अमेजिंग केक बना था और वाकई में ये बिल्कुल बेकरी जैसा था। बिल्कुल भी लग नहीं रहा था कि ये एगलेस है और ना ही ऐसा लग रहा था कि ये चावल के आटे का बना हुआ है। तो ये बिल्कुल हमने इसको अच्छी तरह से कवर कर दिया है और जो हमने साइड से केक को कट किया था वो वाला जो है उसको इस तरह से हाथों से तोड़ करके और ऊपर में हम इसको डेकोरेट कर देंगे और साइड में हम इस तरह से केक को डेकोरेट कर ले रहे हैं। आप अपने पसंद के हिसाब से जैसे आप चाहो वैसे आप डेकोरेट कर सकते हो। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी चेरीज लगा देते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट केक है तो चेरीज तो मस्ट होती है। तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।